बागी 4, हीरोपंती 2 और गणपत तीनों फिल्मों की शूटिंग की तारीख दिसंबर की बताई गई है। आखिर तीनों फिल्में एक साथ कैसे करेंगे टाइगर, और टाइगर ने किया हीरोपंती 2 और बागी 4 का ऐलान, क्या साथ ही करने वाले हैं वो इन दोनों फिल्मों पर काम। टाइगर श्रॉफ के गाने पर झूमते नजर आई दिशा पाटनी, क्या इस बार टाइगर का दिल जीत लेंगी अभिनेत्री। हेलो दोस्तों, मैं पलक गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज इस वीडियो में फिल्म बागी 4 से जुड़ी कुछ नई जानकारी मिलेंगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लगातार खबरें आ रही थी कि दिसंबर महीने से टाइगर अपनी फिल्मों की शूटिंग करेंगे, लेकिन ये बात नहीं तय हो पाई थी कि वो किस फिल्म की शूटिंग करेंगे। उनकी हर फिल्म के काम का स्केड्यूल दिसंबर का ही बताया जा रहा है, चाहे वो गणपत हो, हीरोपंती 2 हो या फिर बागी 4। इस बारे में काफी लोगों के बहुत से रिस्पॉन्स आए, लेकिन टाइगर ने तब किसी भी फिल्म की पुष्टि नहीं की थी। लेकिन उन्होंने पूरे लॉकडाउन अपने फिल्म गणपत के लिए एक बॉक्सर जैसे दिखने के लिए मेहनत में लगे हुए थे। सभी उम्मीद कर रहे थे कि इस फिल्म पर वो काम करना शुरू करेंगे, लेकिन फिर ऐसा हो नहीं पाया। इसकी वजह बताई जा रही है कि फिल्म की बाकी कास्ट स्टार तय नहीं हो पाई है। तो अब तक और उस फिल्म के लिए निर्देशित विकास बहल भी अब अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने वाली वेब सीरीज स्नफल वॉर पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो फिलहाल इस फिल्म पर ध्यान नहीं दे पा रहे। आखिरवार वो समय आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। बागी 3 की सफलता के बाद बागी 4 का आना तो तय ही था। अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने जो लोगों से वादा किया था वो निभाने जा रहे हैं। जब लोगों ने शिकायत की थी कि वो बागी 3 नहीं देख पाए, तो टाइगर श्रॉफ ने उनको कहा था कि वो कोशिश करेंगे इस फिल्म को फिर से थिएटर में लाया जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो जल्द ही बागी 4 के साथ लौटेंगे। अपनी इसी वादे के पूरा करते हुए टाइगर श्रॉफ ने कुछ दिनों पहले फिल्म बागी 4 का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि वो इस फिल्म में लीड रोल में होंगे और अहमद खान इस फिल्म का निर्देशन करेंगे, जिन्होंने बागी 2 और बागी 3 फिल्म का निर्देशन किया था। कुछ समय पहले उन्होंने भी कहा था कि वो बागी फिल्म फ्रेंचाइजी को आगे लेकर जाएंगे और अब उसके बाद बागी 4 पर काम शुरू करने जा रहे हैं। इतनी खबरों के बाद आखिरकार अंत में ये पता लगा कि बागी 4 का स्केड्यूल इस साल के दिसंबर से रखा गया है। अब इस फिल्म की कहानी या किसी किरदार के बारे में कुछ खबर नहीं आई है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही इस फिल्म से जुड़ी जानकारी हमें ज़रूर मिलेगी। टाइगर की फिल्म हीरोपंती 2 और गणपत भी इसी समय शुरू होने की बात की गई थी, और गणपत के बारे में तो आपको पता होगा कि फिलहाल उस फिल्म को कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। लेकिन फिल्म हीरोपंती 2 के बारे में अभिनेता बताते हैं कि वो जल्द ही उस फिल्म पर भी काम करेंगे। ऐसा हो सकता है कि दोनों फिल्में एक साथ ही शूट करें और दोनों फिल्मों का काम भी लगभग एक साथ ही खत्म किया जा सके। साजिद नाडियावाला, जो कि हीरोपंती 2 और बागी 4 के प्रोड्यूसर हैं, वो जल्द ही दोनों फिल्मों पर काम करना चाहते हैं। टाइगर के फैंस के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि उनको एक साथ टाइगर की दो फिल्में देखने को मिलेंगी। दोनों ही फिल्मों में टाइगर का पावर पैक परफॉर्मेंस होगा, और जिसमें वो दमदार एक्शन सीक्वेंस करते हुए नजर आएंगे। फिल्म हीरोपंती 2 का भी इंतजार लोगों को 6 साल से है, जो कि बागी 4 अपने साथ उसके लिए कुछ अच्छी खबर लेके आए हैं। पिछले कुछ समय से टाइगर के फैंस फॉलोइंग कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। उनके बॉलीवुड में आए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना नाम कर लिया है, वो भी वॉर फिल्म से सुपरहिट होने के बाद से। वो और ज़्यादा चर्चे में आ गए, फिर उनकी फिल्म बागी 3 आई और उस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसकी ज़्यादा कमाई नहीं हो पाई। लेकिन जब पूरा भारत अपने घर में बैठा था, तब भी टाइगर अपने सोशल मीडिया से लोगों का दिल जीतते नजर आ रहे थे। कभी वो अपनी वर्कआउट वीडियो शेयर करते और कभी डांस तो कभी गाना, वो लगातार ही सबका मनोरंजन करने में लगे हुए थे। अभी उनका रिलीज किया गाना सुर्खियों में था, और अभिनेत्री दिशा पाटनी के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी काफी चर्चे में रहते हैं। दिशा पाटनी की कई बार मीडिया से खुलकर बात कर रही थी, और उन्होंने बताया कि वो टाइगर के दोस्त से ज्यादा बनना चाहती हैं, लेकिन टाइगर ने कभी कुछ नहीं कहा। दिशा पाटनी हमेशा ही टाइगर के सोशल मीडिया पर लाइक और कमेंट करती नजर आती हैं, और टाइगर के परिवार के साथ भी उनका अच्छा रिश्ता है। सोशल मीडिया पर जो कि खास झलकता है, अभी दिशा की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो टाइगर के गाने पर झूमती नजर आ रही है। इस बात से पता लगता है कि वो कभी भी टाइगर को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं छोड़ती हैं। देखते हैं कि आगे उनके रिश्ते को लेकर क्या अपडेट आती है, और फिलहाल तो किसी ने भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन वो अक्सर लंच और डिनर पर साथ देखे जाते हैं। अब दिशा अपनी कोशिश में कब सफल होती हैं, और इस बात का पता तो टाइगर के अनाउंसमेंट के बाद ही पता लगेगा। अभी फिलहाल अभिनेता अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और देखते हैं उनकी आने वाली फिल्में लोगों को कितनी पसंद आती हैं। अगर आपके मन में के लिए उनकी फिल्म से जुड़े कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
बॉलीवुड से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ बॉलीग्राड स्टूडियोज पर, और इस वीडियो की स्क्रिप्ट आद्या ठाकुर ने लिखी है।